हेलो एवरीवन, बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड। आज हम बात करेंगे संविधान की विशेषताएं। अभी तक हमने जाना था भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान के स्रोत, और आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान सबसे पहली विशेषता इसकी है लिखित व विशाल संविधान। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो पूरे विश्व में एक बहुत विस्तृत संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग हैं इसमें और 12 अनुसूचियां हैं। और वर्तमान, अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो इतने संविधान संशोधन हो चुके हैं कि हमारे यहाँ 395 जो अनुच्छेद थे उनमें परिवर्तन करके अगर संख्या देखी जाए तो 450 तक संख्या हो गई है। 300 उसमें का कर, जैसे अगर हम बात करें कि संशोधन के द्वारा 21 ए जोड़ा गया, 51 ए जोड़ा गया, तो इस तरीके से संविधान का जो स्वरूप है वो और भी विस्तृत होता दिखाई दे रहा है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है, एक निश्चित समय पे लिखा गया था, एक निर्मित संविधान है। इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा निश्चित समय में किया गया। लिखित से तात्पर्य कि इसे एक निश्चित समय में निश्चित समूह द्वारा लिखित रूप दिया गया है, इसका निर्माण किया गया है। अगर हम बात करते हैं अलिखित संविधान की, तो बात आती है ब्रिटेन का संविधान। वो अलिखित संविधान है, उसका निर्माण नहीं हुआ बल्कि वो परंपराओं से चले आ रहा संविधान है। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता हो जाती है लिखित संविधान और विशाल संविधान। एक विस्तृत संविधान है, लिखित है, जिसमें की 395 अनुच्छेद है। दूसरी इसकी विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो अगर बात करते हैं न्यायपालिका की, तो भारत में सरकार जो है वो उससे न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, कोई भी न्यायपालिका में न्यायालय में जाएगा तो वो समान दृष्टि से देखा जाएगा और न्यायपालिका पे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा की गई है, ये भी इसकी विशेषता है। कठोर व लचीले का मिश्रण, भारतीय संविधान कठोर व लचीला संविधान है। कठोर व लचीले से मतलब क्या होता है कि कुछ एक मामलों में भारतीय संविधान में संशोधन साधारण दो तिहाई बहुमत से संसद द्वारा किए जा सकते हैं, जैसे साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। लेकिन कुछ एक संविधान में चीजें ऐसी हैं जिनमें की संशोधन की प्रक्रिया जटिल है, जिनमें परिवर्तन आसानी से नहीं किया जा सकता, उसमें दो तिहाई सदस्यों का बहुमत तो चाहिए ही, साथ में आधे से ज्यादा राज्यों की पूर्ण सहमति भी चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संशोधन की प्रक्रिया जो है, संविधान में परिवर्तन करने का जो प्रोसेस है वो जटिल भी है और लचीला भी है। किसी कुछ अनुच्छेदों में आसानी से परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ में एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। तो आसानी से बहुत जल्दी परिवर्तन अगर कर दिए जाएंगे तो संविधान का पूरा स्वरूप ही परिवर्तित हो जाएगा, और बहुत कठोर होंगे तो जहां परिवर्तन की जरूरत है वहां भी लंबा प्रोसेस लगेगा। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे संविधान की निर्माण किया जहां कठोर व लचीले दोनों के गुण आपको दिखाई पड़ते हैं। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट भारत में, जिस तरीके से अमेरिका में दोहरी नागरिकता है कि अमेरिका में स्टेट की भी नागरिकता होगी और कंट्री की भी, लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भारत के सभी राज्यों के नागरिक भारतीय हैं, सभी को सिर्फ एक ही नागरिकता प्राप्त है। वो किसी पर्टिकुलर राज्य के जो भी हो, कि एमपी के हैं या यूपी के हैं, तो उन्हें अलग से राज्य की सदस्यता मिली हो, ऐसा कोई प्रावधान यहाँ नहीं है, बल्कि भारत में निवास करने वाले सभी नागरिक भारतीय हैं। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है हमारे भारतीय संविधान में। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान की विशेषता है पांचवी कि भारतीय संविधान में भारत के सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कि मूल रूप से नागरिकों के जीवन को बनाए रखने के लिए परम आवश्यक होते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार की बात की गई थी, संपत्ति के अधिकार को भी मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया था, लेकिन बाद में उसे
हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो जो मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान में दिया गया है वो अपने आप में संविधान को विशिष्ट बनाता है। मौलिक कर्तव्य, नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं दिए गए हैं बल्कि उनके लिए कुछ कर्तव्य भी हैं। भारत के नागरिक होने के नाते भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वो भारत की सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करें, भारत की एकता व अखंडता के लिए की रक्षा के लिए कार्य करें, कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि भारत की एकता व अखंडता खंडित हो। दूसरी बात, धर्म निरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष, ये जो शब्द था पंथ निरपेक्ष हमारे मूल संविधान में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, और इसे साधारण भाषा में हम धर्म निरपेक्ष राज्य कहते हैं। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है बल्कि धर्म किसके हैं, वहां निवास करने वाले नागरिकों के हैं। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य की दृष्टि में वहां निवास करने वाले नागरिकों के जो भी धर्म मानते हैं वो सब समान है, उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है, तो ऐसे राज्य को हम धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं। तो ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता। सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार का तात्पर्य है भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों को जो वयस्क होंगे उन्हें मत देने का अधिकार है, लिंग जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो मताधिकार की बात थी वो जब मूल संविधान बना था तो उस समय वयस्क मत देने का अधिकार 21 वर्ष से ज्यादा के आयु के लोगों को था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा ये आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो जो वर्तमान में हम देखेंगे तो 18 वर्ष के सभी नागरिक इस सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें मत देने का अधिकार है। नवा जो विशेषता है नौवीं वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो हमारे भारतीय संविधान में भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों की बात की गई है। भारत के सभी राज्यों के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिनको ध्यान में रखकर राज्य प्रबंध करेगा कि क्या क्या व्यवस्था की जाए, तो उन्हें कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। संसदीय शासन प्रणाली, भारत में जो हम वर्तमान देखते हैं वो है संसदीय शासन प्रणाली, जिसका तात्पर्य होता है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी, या पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं और संसद सभी कानूनों का निर्माण करती है, वहीं पे विधेयक पारित होते हैं, वहीं विधेयक लाए जाते हैं और वहीं नियम और कानून बनते हैं और वहीं उन्हें लागू करती है। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है वो भी हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण, भारतीय संविधान में अगर बात करें तो हम देखते हैं कि भारत एक संघ है, राज्यों का एक समूह है, एक संघ के रूप में हमारे सामने आता है, जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने कार्य को करती हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ये संघ की संघात्मक शक्ति है जो एक संघ के रूप में भारत को जोड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां आ जाती हैं जब राष्ट्रपति शासन लग जाए या आपातकालीन शासन लग जाए, तो उस समय भारत का संघ अपने आप से स्थगित हो जाएगा, वहां राज्य सरकारें अपना काम छोड़ देगी और वहां क्या होगा, एकात्मक के स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है और सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण देखने को मिलता है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, हम देखते हैं विश्व में जितने भी देश हैं, जितने भी बड़े कंट्रीज हैं, वहां पे दो स्तरीय शासन व्यवस्था होती है, लेकिन भारत एक ऐसा राज्य है जहां पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। त्रिस्तरीय से तीन स्तर है इसके, केंद्र है, केंद्र अपने केंद्र में केंद्र सरकार होती है, राज्य में राज्य सरकार होती है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय प्रशासन भी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जैसे हमारा पंचायती राज व्यवस्था और नगरों में नगर पालिका और नगर निगम। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं बहुत व्यापक रूप से दिखाई पड़ती है और एक विशिष्ट संविधान का निर्माण संविधान निर्माताओं ने किया है। धन्यवाद।